वेलकम टू माई चैनल मिस क्यूरियोसिटी। तो आज मेरी फर्स्ट व्लॉग है यूट्यूब पे। मैं होप करती हूँ कि आपको ये अच्छी लगेगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है हॉरर फैक्ट्स के बारे में। हॉरर चीज़ें तो हम इंडियंस को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और जो मेरा सबसे फेवरेट हॉरर व्लॉगर है वो है अंकुर कश्यप। आप देख सकते हैं मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में उसका नाम लिखा है। तो अब बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हॉरर फैक्ट्स के बारे में। थोड़ा जो मौसम है उसको थोड़ा चेंज करते हैं, हॉरर लुक में लाते हैं। कि जो हमारा फर्स्ट है वो है कि आप लोगों ने देखा होगा कि रात को हमें नाइटमेयर्स आते हैं, जिससे हमें लगता है कभी हम ऊपर से गिर गए या किसी ने हमारा पैर खींच लिया या कुछ हो गया। कभी किसी ने नोटिस करा कि वो आखिर होता क्यों है हमारे पास? एक किसी ने बताया है फ़ोटो में जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाई है कि जो हम ड्रीम्स देखते हैं अपने सपने में, वो एक्चुअली पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ज़्यादातर हमारे रूम में एक घोस्टली प्रेजेंट होती है, जो हमारा ब्रेन होता है वो हमें ये चीज़ बताने की ट्राई करता है कि हमारे रूम में कोई प्रेजेंस है, कोई स्पिरिचुअल प्रेजेंस है। तो हमें सेंस देता है कि उठने की, जिससे हम एकदम से झटके से उठते हैं और हमें लगता है या तो किसी ने हमारा पैर खींचा है या हम ऊपर से नीचे गिर गए हैं। सीरियसली मेरे को तो बहुत ज़्यादा आते हैं, माय गॉड। जो सेकेंड हमारी फ़ोटोग्राफ है हमारे पास, जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमने देखा कि रात को बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एरियाज आते हैं हमारे ऑल अराउंड होते हैं, और रोड पर तो अंधेरा होते ही होता है, हम लोग बीच में रुक जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी के साथ, जो वुड्स होती हैं हर जगह वहाँ पर, अगर आप किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनो तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। उस रोने की आवाज़ को एक नाम दिया है, वो है तियानाक। तियानाक उस बच्चे की रोने की आवाज़ का नाम दिया। और अगर आप उस बेबी के क्राई जो करता है उसके पीछे, उस आवाज़ के पीछे जाते हो और आपको बेबी भी दिख जाता है, और अगर आप उसको उठा के, लिटरली अगर आप उसको उठा के देखोगे तो बेबी एक मॉन्स्टर में बदल जाएगा। उसके बाद क्या होएगा आपके साथ वो तो भगवान जानता है, बट इस फोटो में क्लियरली यही लिखा हुआ है। ओके, नाउ आई एम स्केर्ड। थर्ड फोटो थोड़ी सी मेरे लिए डिस्टर्बिंग है। हम सब लोगों को हंसना बहुत ज़्यादा पसंद है, अभी भी मैं हंसी रही हूँ। हंसना, अगर कोई जोक मार दे उस पर हंसना, कोई गिर जाए तो स्पेशली और ज़्यादा हंसी आती है, या फिर अपने बेस्ट फ्रेंड को कोई टीचर डांट दे तो सबसे ज़्यादा हंसी आती है उस पर। एक कहीं पर कहा गया है कि एटलीस्ट 10 रिकॉर्डेड केस हो चुके हैं जो लोग हंस हंस के जिनकी डेथ हुई है। लिटरली जो बंदे हंस रहे हैं, जैसे मुझे किसी ने जोक सुनाया, मैं हंस रही हूँ जोर जोर की और मैं मर गई। लिटरली ऐसे लोगों के साथ हो रखा है, और मैं तो सबसे ज़्यादा हंसती हूँ, मैं तो हंसती रहती हूँ। चाहे अगर मेरे को डर लगे या कोई डांट दे तो मैं तो हंसते ही हंसना है, अब से मेरा हंसना भी बंद है। जो नेक्स्ट फोटो है हमारी वो तो मतलब बिल्कुल ही रियल लाइफ बेस्ड है। जैसे हम शीशे में देखते हैं तैयार हो रहे होते हैं तो हम अपने आप को कुछ और ही समझ रहे होते हैं कि हम ये हैं, हम अच्छे लग रहे हैं, बट अगर हम मिरर में बहुत ही ज़्यादा देर तक देखते रहते तो हमारे ब्रेन में अलग से एक इमेजिनरी इमेज बनने लगती है, मॉन्स्टर जैसे। जैसे अब हम किसी उसमें देख रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि यार कुछ सामने ना आ जाए, या हमने उधर मुंह करा होगा तो ऐसा लगेगा कि सामने वाली इमेज ने हमारी तरफ ही मुंह ना कर रहा हो। ज़्यादातर ये डर रहते ही है कि हम कुछ और कर रहे हैं और हो सकता है कि मिरर आगे कुछ और कर दे, थोड़ा हॉरर हो जाता है ये। ज़्यादातर मेरे साथ भी हो ही जाता है, तो थोड़ा मिरर कम ही देखना चाहिए। मूवी आई थी कॉन्ज्यूरिंग, जो सबसे ज़्यादा मतलब मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा डरावनी लगती है। राज मूवी के बाद सबसे ज़्यादा डरावनी मेरे को कॉन्ज्यूरिंग और एनेबल ही लगी है। बट एक्चुअली में जो कॉन्ज्यूरिंग और एनेबल है वो रियल इवेंट्स पर बेस्ड हुई है, ऐसे बहुत लोगों ने बताया है। जो एनेबल डॉल आपने देखी होगी कैसी दिखती है, वो एक्चुअली में हमें लगता है कि वो स्टोरी है, बट एक्चुअली वो स्टोरी है ही नहीं, वो एक रियल डॉल है।
एनिमल क्रिएशन मूवी जो थी उसमें लास्ट में उस डॉल का रियल लुक दिखाया गया था। आप फोटो में देख सकते हैं पीछे कि वो आखिर जो असली डॉल कैसी दिखती है। और ये चीज़ सच है कि इस डॉल ने इतना सब कुछ किया क्योंकि ये पोजेस्ड डॉल है और इसका नाम रेजेडी एन डॉल है, तो ये बहुत ज़्यादा स्केरी है। मेरे पीछे भी दो पिल्लो हैं जिनकी शक्ल बनी हुई है, अब मेरे को भी उनको देख कर डर लग रहा है कि अलग सी शक्ल ना बना लेगी। फिफ्थ है जो कॉन्ज्यूरिंग मूवी अभी मैंने आपको बताया, उसमें जो वो थी लॉरेन जो सबका केस हैंडल करती थी सब लोगों का, उसका नाम एक्चुअली है वेरा फार्मिगो। वेरा फार्मिगो ने ये चीज़ क्लेम करी कि जब मूवी स्टार्ट हुई या फिर एक्चुअली वो मूवी इतनी ज़्यादा हॉरर है कि वहाँ पे हॉरर चीज़ें होना तो पॉसिबल ही पॉसिबल होता ही होता है। हम भी कहीं जाते हैं हॉरर जगहों पे, लाइक बहुत सारी जगहें हैं दिल्ली में तो लाइक मलचा महल एंड ऑल, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ हमें ऐसा अजीब सा लगता है। उन्होंने तो कितनी बड़ी शूटिंग करी और एक हॉरर फिल्म बनाई है। तो वेरा फार्मिगो ने बताया कि उसने अपनी स्किन पे 3 अनएक्सप्लेन्ड क्लॉज मार्क्स नोटिस करे थे जब शूटिंग था फर्स्ट डे ऑफ शूटिंग पर। तो ये चीज़ काफ़ी डिस्टर्बिंग है क्योंकि उन्होंने तो कितनी लंबी मूवी बनाई है तो पता नहीं क्या क्या हुआ होगा उस मूवी के अंदर। बहुत सारी न्यूज़ आई है कि कॉन्ज्यूरिंग मूवी जब बन रही थी तो अलग अलग चीज़ें हो रही थी सेट्स पर, अब कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो वही जानते हैं। एक लास्ट फोटो है अब मेरे पास, एक बंदा था एडवर्ड मॉड्रिक करके। नॉर्मल ह्यूमन बींग्स होते हैं जैसे हमारा फेस यहाँ पे है, पीछे तो हमारा कोई सर है नहीं या हम पूरी मुंडी तो अपनी घुमा नहीं सकते। एक बंदा था एडवर्ड मॉड्रिक जो बॉर्न हुआ था एक एक्स्ट्रा फेस के साथ, जैसे हमारा सामने मुंह है उसका पीछे भी एक मुंह था, उसके बाल खाली इस जगह पे थे और पीछे उसका पूरा एक मुंह था। उसने बताया कि वो जो उसका फेस था पीछे वाला वो कुछ बोलता नहीं था, कुछ नहीं करता था, सिर्फ हंसता और रोता ही था उसका वो पीछे वाला फेस। उसने डॉक्टरों से बहुत ज़्यादा एक तरह से भीख मांगना, उसने बोला कि मेरा ये जो डेमन फेस है वो प्लीज़ आप रिमूव कर दीजिए, बट डॉक्टर ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि ये एक्चुअली में एक ख़तरा भी है लाइफ को और ये बहुत ही अलग चीज़ है। और उसने ये भी क्लेम किया कि रात को उसका पीछे वाला सर अलग अलग हॉरिबल चीज़ें बोलता था, कुछ अलग सी चीज़ें बोलता था, हंसता था और रोता था, हॉरिबल ही चीज़ करता था, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया और 23 की एज में उसने सुसाइड कर ली थी क्योंकि वो इतना ज़्यादा परेशान था। ऑब्वियसली अगर हमारे पीछे कोई सर है वो रो रहा है हंस रहा है, ये एक्चुअली में एक बहुत ही ज़्यादा अलग सी बात है कि ये आखिर हो क्या रहा है। तो अब इतनी सारी स्टोरीज़ हमने देख ली, अब मैं एक स्टोरी अपने भी बताना चाहूँगी। इस स्टोरी पर कभी मम्मा या पापा ने बिलीव नहीं करा, तो ये स्टोरी है कि जो मेरा हम पहले वाले घर में जो रहते थे जब मैं 12 इयर्स की थी, ये वाला घर नहीं था हमारा, कहीं और रहते थे हम, तो वहाँ पे बहुत अलग अलग सी चीज़ें हो रही थी। मैंने जैसे यहाँ पे पेपर रखा हुआ है, मैं वापस आती थी कहीं से तो वो पेपर एक्चुअली में नहीं होता था, या फिर बहुत अलग अलग चीज़ें होना, टीवी मैं ऑन करके जाती थी तो ऑफ़ हो जाता था वो अपने आप। अब भी थोड़ा सा आपको हो सकता है झूठ लग रहा हो बट ये एक्चुअली में सच है। एक दिन मैंने एक हेयर स्टाइल बना रखा था, मेरे को सेल्फ़ी लेने का बहुत ज़्यादा शौक था उस टाइम पे, अभी भी है, तो मैं फ़ोटो ले रही थी तो मैंने अपना फ़ोन ऐसे पकड़ रखा था और ऐसे कर रखा था, पीछे किचन था मैं हॉल में थी तो मैंने देखा कि मेरे पीछे एक औरत खड़ी है, उसने कपड़े वाइट ही थे, उसके वाइट थे क्या थे बट मैं उसे अच्छे से नोटिस कर सकती थी, उसका शक्ल मेरे को नहीं दिखा, उसके बाल आई थिंक आगे की तरफ थे, इतना मेरे को ब्लर है थोड़ा सा इतना नहीं पता, बट मैं क्लियरली ये बता सकती हूँ कि मैंने अपने कैमरे में पीछे कुछ ना कुछ देखा था, कोई एक बंदा या बंदी खड़ा ही हुआ था वहाँ पे, जिस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। और मेरा भाई सिर्फ 1 साल का था उस वक्त और मैं उसको लेके लिटरली नीचे चली गई थी, मैं इतना ज़्यादा डर गई थी। 1 घंटे बाद मेरी मॉम आई तो मैंने कुछ बताया नहीं उनको कि मैं क्यों हूँ नीचे, बट थोड़े टाइम के बाद हमने 1 महीने के बाद वो घर छोड़ दिया था और अब मैं उनको बताती हूँ तो उनको बिलीव नहीं हुआ। तो आज के लिए इतना ही, तो अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है वो थोड़ी सी हटके है, इन चीज़ों से हटके, इस वातावरण से हटके है, तो देखते हैं।
कि अब ये आपके लिए सरप्राइज़ है कि आखिर वो क्या होगी। अब फ़िलहाल के लिए सब्सक्रिप्शन बटन पूरा फ्री है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और शेयर करना तो आप शेयर भी कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपने मेरे से पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में फ्रीली पूछ सकते हैं। अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ जो बहुत जल्दी पोस्ट होने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आपने अपना टाइम दिया मेरे इस वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू गाइस, टेक केयर और सेफ रहिए। बाहर कोरोना है, घर में घर पे आराम से टीवी देखना है। थैंक्स।